मैं हूँ शिखा भारद्वाज, अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों को सुबह सुबह टिफिन देना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमें यही टेंशन लगी रहती है कि पता नहीं बच्चे अपना टिफिन खाकर आएंगे या नहीं। तो आज मैं आपके साथ बच्चों की फेवरेट दो टिफिन बॉक्स रेसिपीज शेयर करने जा रही हूँ। तो पहली रेसिपी है पिज्जा पार्सल्स और दूसरी रेसिपी है हॉट सैंडविच की, जिसको कि बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली लंच बॉक्स रेसिपी है पिज्जा पार्सल्स, और उसके लिए हमने ली है कुछ वेजिटेबल्स। तो मैंने यहाँ पे ली है गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और मटर ली है मैंने। तो मैंने कैरेट को बहुत बारीक बारीक चॉप किया है, देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही कैप्सिकम को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। और हम लेंगे कुछ मसाले, तो मैंने यहाँ पे लिए है चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो और पिज्जा सीजनिंग है, और सॉल्ट लेंगे, और हमने यहाँ पे लिया है पिज्जा पास्ता सॉस। और अगर ये अवेलेबल नहीं हो आपके पास तो आप टोमेटो सॉस यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। और हम यहाँ पर एक डो लेंगे, अपना आटे का डो जो हम चपाती के लिए डो बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल डो बनाया है, जैसे इसमें कोई ऑयल या कुछ भी ऐड नहीं किया है मैंने। और हमने लिया है यहाँ पर चीज, मोजरेला चीज लेंगे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे अपनी वेजिटेबल्स। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह जब हम लंच बॉक्स पैक करते हैं बच्चों का, तो टाइम तो बहुत कम होता है, बच्चों की बस आने वाली होती है, तो इतना टाइम तो नहीं होता कि आप इस तरह से बारीक बारीक गाजर काटे या सब्जियां काटे। तो आप इसको रात को काट के रख सकते हैं, काट के आप रात को रख लीजिए सारी सब्जियां, या फिर फूड प्रोसेसर में चॉप कर लीजिए, जल्दी चॉप हो जाता है इसमें। तो हमने सब्जियां ऐड कर दी सारी एक साथ। तो अब मैं अपनी वेजिटेबल्स में ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हम। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, और हम डाल रहे हैं इसमें पिज्जा सीजनिंग थोड़ी सी, और थोड़ी सी हम डालेंगे ऑरिगेनो। आपके पास जो भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स। तो हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया, और हमने इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं हम अपने पिज्जा पास्ता सॉस। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास ये सॉस अवेलेबल नहीं है तो आप टोमेटो सॉस ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर देती हूँ पिज्जा पास्ता सॉस, बच्चों को इसका टेस्ट बहुत पसंद होता है। और आप इस तरह से बनाएंगे तो बच्चे अपना लंच बॉक्स जरूर फिनिश करके आएंगे। मिक्स करेंगे इसे। तो सॉस ऐड करने के बाद हम इसमें चीज ग्रेट कर देते हैं अपना। तो उसमें हम कम से कम 1/4 कप चीज ऐड कर देंगे ग्रेट करके इस तरह से। देखिए चीज भी ऐड कर दिया मैंने, और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो बस हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम अपना पिज्जा पार्सल बना लेते हैं। एक बार कुछ चेक कर लीजिए आप, इसमें सॉल्ट वगैरह अगर और चाहिए तो आप डाल सकते हैं। वैसे हमने सॉसेज ऐड की हैं थोड़ी सी, उसमें भी सॉल्ट होता है। तो हमने अपनी वेजिटेबल्स में 2 टेबलस्पून सॉस मिला ली थी, और हमने इसमें 1/4 कप चीज भी ऐड कर दिया ग्रेट करके। तो स्टफिंग हमारी तैयार है, तो अब हम अपना पिज्जा पार्सल बना लेते हैं। तो पार्सल बनाने के लिए हम अपने आटे में से एक लोई तोड़ेंगे, यानी कि एक छोटी सी बॉल निकालेंगे फ्रेंड्स। और ये बिल्कुल सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल नॉर्मल आटा, जैसे हम अपना चपाती के लिए बनाते हैं वही आटा है। तो इतनी बड़ी बॉल ले लेंगे हम, और ड्राई फ्लोर में लगाएंगे इसे और बेलेंगे। और इसको हम होल व्हीट फ्लोर से बना रहे हैं, अपने बिल्कुल आटे से जो से हम रोटी बनाते हैं रोज, उसी से बना रहे हैं। एक हम बड़ी सी चपाती बनाएंगे इसकी। तो देखिए इस तरह से हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, और एकदम पतली सी रोटी बेलनी है हमने, बिल्कुल चकले की साइज की रोटी बेल ली है अपनी, और ड्राई फ्लोर की हेल्प से हमने इसको बेल लिया है। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी फिलिंग, तो बिल्कुल मिडल में रखेंगे फिलिंग। कम से कम 3 to 4 स्पून भर के मैंने रख दी अपनी फिलिंग इसमें। और रोटी देखिए बिल्कुल पतली बनाई है मैंने, चपाती जो बनाई है बिल्कुल पतली है। इसके ऊपर हम डालेंगे चीज, तो या तो आप चीज स्लाइस रख लीजिए इसके ऊपर, या फिर हम थोड़ी सी चीज और ग्रेट कर देते हैं इसके ऊपर। जिससे ये और टेस्टी हो जाए। देखिए मैंने इस पर कम से कम 2 टेबलस्पून चीज और डाल दिया है इसके ऊपर ग्रेट करके। और ये आप चाहें तो चीज स्लाइस रख सकते हैं इसके ऊपर, अगर स्लाइस है आपके पास। तो अब इसको हम बंद बंद करते हैं, हम पार्सल बना देंगे इसका इस तरह से। दोनों साइड से फोल्ड कर दिया हमने, और यहां से भी कर देंगे फोल्ड। और गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो चीज है वो मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल बंद हो गया है अच्छी तरह से।
तो हमारा तवा गर्म हो गया है, अपना पार्सल सेक लेते हैं, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इसको जिससे चिपक जाए। बस तो हमारा तवा गर्म हो गया है, हम इस पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल। आप चाहे तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और हम अपना पार्सल रख देते हैं इसके ऊपर धीरे से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ऑयल लगाते हुए हम दोनों साइड से इसको पलटते हुए सेक लेंगे, जैसे हम पराठा सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुबह सुबह टाइम कम होता है हमारे पास, बच्चों की स्कूल बस आने वाली होती है, तो आप वेजिटेबल्स वगैरह रात को काट के रख सकते हैं आप, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं होता है इतना। और डो भी बना के रख लीजिए आप फ्रिज में पहले ही रात में, तो सुबह इसको बनाने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं, अपना लंच बॉक्स जरूर फिनिश करके आएंगे। इस तरह से हम गोल्डन सेक लेंगे इसको। तो लीजिए हमारा एक पिज्जा पार्सल तो बनके तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए एकदम गोल्डन सिका है ये, इसे निकाल लेते हैं हम और इसी तरह से एक और बना लेते हैं और फिर हम अपना लंच पैक कर लेंगे। बस आपको ध्यान इसमें रखना है कि कोई गैप ना हो, नहीं तो वहां से आपका जो चीज हमने डाला है वो मेल्ट होके बाहर निकल आएगा, तो उसको अच्छी तरह पैक करना जरूरी है। तो लीजिए हमारे पिज्जा पार्सल तैयार हो गए हैं, तो हम इन्हें पैक कर देते हैं। तो मैं इन्हें कट कर दूंगी ताकि बच्चे इजीली खा सके। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें आप इस तरह से कट करके ही दीजिए, तो बच्चे आराम से खा सकते हैं। देखिए कितनी सुंदर वेजिटेबल्स लग रही हैं। तो अगर इस तरह से आप बना के देंगे बच्चों को, तो बच्चे जरूर लंच अपना फिनिश करके ही आएंगे। और फ्रेंड्स इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जो हम रोटी बेलेंगे इसके लिए, चपाती जो बेलेंगे हम, वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। और जब हम इसको बंद करेंगे सब्जियां रख के, तो हर तरफ से अच्छी तरह पैक करना है इसको, नहीं तो जो हमने चीज अंदर ऐड किया है वो मेल्ट होके बाहर आ जाएगा। तो देखिए हमारा लंच बॉक्स तैयार हो गया है। इस तरह से कट करके आप देंगे तो बच्चे इसको इजीली खा पाएंगे। तो हमारी दूसरी लंच बॉक्स रेसिपी है हॉट सैंडविच। तो इसके लिए हमने ली है ब्रेड स्लाइसेस, तो हमने व्हाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं इसकी जगह पर। और हमने ली है कुछ वेजिटेबल्स, तो मैंने यहाँ पर ली है कैप्सिकम, तो शिमला मिर्च मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है, और गाजर को भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और हमने लिया है हाफ कप पनीर, और पनीर को मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है इस तरह से, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्रोटीन भी चाहिए बच्चों के लिए। और साथ ही हमने लिए हैं आलू, तीन उबले हुए आलू हैं, इनको हम मैश कर लेंगे। साथ ही हम लेंगे बटर और हम लेंगे चीज। और सॉस ली है मैंने, पिज्जा पास्ता सॉस ली है मैंने। अगर ये सॉस नहीं है आपके पास तो आप टोमेटो सॉस यूज कर सकते हैं इसकी जगह पर। और हम लेंगे सॉल्ट और हम लेंगे चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो लेंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म किया है, इसमें हम ऐड कर देते हैं अपनी कैरेट और कैप्सिकम, गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। हम इसमें अदरक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करें क्योंकि बच्चे नहीं खाते, हम लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं इसलिए। तो इसको 1-2 मिनट तक हम इसको सौते करेंगे ऐसी ऑयल में अपनी कैप्सिकम और कैरेट को। आप अपनी चॉइस की इसमें और कोई वेजिटेबल्स ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने अपनी वेजिटेबल्स को 1-2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई किया था, और इसमें ऐड कर देते हैं अपना पनीर, हाफ कप पनीर है ये, हमने बारीक बारीक कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें अपने आलू, मैंने इनको मैश कर लिया है, बॉइल्ड आलू जो थे हमारे 3 से 4 आलू मिक्स कर देंगे इसमें, और इन सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, पनीर आलू और वेजिटेबल्स को। तो हमने अपनी सब्जियों को फ्राई किया, फिर हमने इसमें बॉइल्ड आलू डाल दिए थे अपने और पनीर ऐड किया था। अब इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया मैंने, और मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ओरिगैनो। अपनी पसंद के आप कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं इसमें, मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं। और साथ में ऐड कर रहे हैं हम इसमें सॉस, तो 1 टेबलस्पून भर के मैं ऐड कर देती हूँ इसमें सॉस भी, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। बस गैस ऑफ कर देते हैं, हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं अपना हॉट सैंडविच, मिक्स करके गैस ऑफ कर दी मैंने। तो हमारा तवा गर्म हो गया है, इस पे हम ऐड करते हैं थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा
मेल्ट होते ही हम इस पर रख देंगे अपना एक ग्रेड स्लाइस। गैस तो बिल्कुल स्लो है हमारी इस समय, और इस पर हम रख देंगे थोड़ी सी फिलिंग अपनी। तो देखिए हमने अच्छी तरह स्टफिंग लगा ली, इसमें अच्छी अमाउंट लगानी है स्टफिंग की। और अब इसके ऊपर हम चीज ग्रेट कर देते हैं। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज ग्रेट कर रही हूं। जिस चीज में आप चीज डाल दो तो बच्चे वो चीजें आराम से खा लेते हैं फटाफट। तो हमने चीज ग्रेट कर दिया इसके ऊपर, 1 टेबल स्पून चीज डाला है मैंने। अब हम लगा देंगे इसके ऊपर एक और स्लाइस अपना, और इस पे लगाएंगे हम बटर, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बटर लगाने में कोई कंजूसी नहीं कर सकते आप। अब इसको हम धीरे से पलट देंगे और दोनों साइड से गोल्डन सेक लेंगे। जब तक हमारा सैंडविच सिक रहा है, हमने एक और सैंडविच तैयार कर लिया है अपना। तो हम इस साइड पे बटर डाल के जरा सा और रख देते हैं सैंडविच को भी, और इसको पलट के हम गोल्डन सेक लेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुबह जैसे टाइम कम होता है हमारे पास, तो हम सब्जियां रात में काट के रख सकते हैं ताकि लंच बॉक्स सुबह बनाने में बच्चों को देर ना हो। और इस तरह लंच बॉक्स बनाते हैं तो बच्चे जरूर फिनिश करके आते हैं, इसमें चीज भी हो और पिज्जा सीजनिंग हो। तो दोनों साइड पे बटर लगाते हुए इस तरह से, आप चाहें तो आप ऑयल लगा के भी सेक सकते हैं इसे, और पलट देंगे। और ये हमारा सिक गया है सैंडविच, इसको निकालते हैं हम और बस हम लंच बॉक्स पैक करते हैं। देखिए हमारा हॉट सैंडविच भी तैयार हो गया है, तो इसे भी हम कट करके पैक करेंगे ताकि बच्चे आराम से खा पाए। तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कर रही हूँ, और अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तो आप इसको और 4 पार्ट में कर लीजिए ताकि बच्चे आराम से एक पीस उठा के और खा सके। तो आइए इन्हें भी हम लंच बॉक्स में पैक कर देते हैं। तो लीजिए हमारे दोनों लंच बॉक्स तैयार हो गए हैं, और पिज्जा पार्सल्स के साथ मैंने थोड़े से अनार के दाने रखे हैं। फ्रेंड्स कोई भी फ्रूट हो सीजनल वो आप रख सकते हैं ताकि बच्चे आराम से खा लें। और मैंने यहाँ पर हॉट सैंडविच के साथ मैंने कुछ मिठाई रख दी है, या कोई केक हो बनी हुई घर में तो होममेड केक हो वो पैक कर सकते हैं। साथ में मैं एक सॉस का पाउच रख देती हूँ अगर बच्चों को जरूरत पड़े तो। तो इस तरह से ये बहुत हेल्दी लंच बॉक्स है दोनों, क्योंकि हमने इसमें होल व्हीट फ्लोर यूज किया है, आटा यूज किया है, और पनीर है, सब्जियां हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे लंच बॉक्स फिनिश करके ही लाएंगे। तो फ्रेंड्स जरूर ट्राई कीजिएगा इन लंच बॉक्स रेसिपीज को, और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके बच्चों को ये लंच बॉक्स रेसिपीज कैसी लगी। तो मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।